टीमों के सपने तोड़े यहां तक पहुंचने के लिए, एंड फिनिशेस देखिए, एक टीम के 9 है तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम के तो 10 से फालतू ही चल रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेटअप राइट नाउ। अगर सोल की बात करें, 4 रुपए आसपास है। सवितार कौर बहुत बड़ा गैम्बल कर रहे हैं, बट उनके सामने रिजेस इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक एक्सट्रीम राइट फ्लैंक मार लें तो कम से कम 2 नॉक निकाल देंगे, बट गॉबलिन एक इतने सेंसिबल प्लेयर है, वो इस चीज को ऑलरेडी एंटिसिपेट करके बैठे होंगे कि ये चीजें भी हो सकती हैं। सवितार के पास जो बंदूकें हैं उन्होंने एके पे स्कोप लगा रखा है, साथ साथ उनके पास जो M416 है उस पे भी आई बिलीव 3x मिनिमम या रेड डॉट तो होना ही चाहिए। रेड डॉट ज्यादा यूज करते नहीं है, अंटिल दिस 3x और 6x आर मोर देन इनफ। सरकारी ड्रॉप आया है उसको भी कवर की तरह यूज कर सकते हैं। दोनों टीम सर्कल के अंदर है, अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। सर्कल जब कटेगा और किसी ना किसी टीम पे जो समय की मार आएगी, जोन की मार आएगी, जो रोटेशन की मार आएगी, वो बताएगा। देखिए मेरे ख्याल से सवितार की पोजीशन बहुत जरूरी है। सवितार यहाँ पे एक्सपोर्ट करके किसी प्लेयर को नॉक करते हैं तो मेरे ख्याल से एक ओपनिंग, एक न्योता मिल सकता है टीम फॉरएवर को अटैक करने का। 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं गोब्लिन को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए, गोब्लिन को यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा जिस चीज की मैं बात कर रहा था। टीम सोल नाउ ऑन द बैक फुट, 3v4 सिचुएशन, क्या यहां से जीतना पॉसिबल है, जोन कहां जाएगा, बड़ा सवाल। स्मोक आउट यहां पे कर दिया, विजन कोई भी नहीं है टीम फॉरएवर के किसी भी प्लेयर के पास, बट अगेन क्रैट फिर से बड़ा सवाल, जोन किसके पास, किसी के पास नहीं। दोनों टीमों के पास अभी भी जोन, सेंटर में जोन बनता हुआ और सोल प्लेयर नंबर 3, आई थिंक अब वो बारी है कि अगर आपके पास कोई अच्छे नेट्स हैं उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। आप अगर नोटिस करें ना तो सोल का जो सेटअप है वो ट्रायंगल जैसा है, त्रिशूल जैसा, एक आगे दो पीछे, और वहीं पर अगर बात करें सविता इज द ओनली वन जो आगे एग्रेस कर रहा है और बाकी के तीनों पेयर प्लेइंग डिफेंसिव। ओवेस कोई एंगल नहीं देख रहे हैं क्योंकि ओवेस के जस्ट सामने सवितार है, एंड फाइनली ओवेस डिसाइडेड कि आई शुड मूव लिल फॉरवर्ड एंड सपोर्ट सवितार जिससे कि फायदा हो, बिकॉज अगर ये सोल का एक नॉक और आएगा तो भाई गेम खत्म होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो सिचुएशन 4v2 हो जाएगी और मुश्किल है। बट यहां पर सोल को कुछ भी कर टीम फॉरएवर से एक या दो प्लेयर का नॉक गिराना जरूरी अगर उनको चाहिए इस गेम के अंदर चिकन डिनर। 13 फिनिशेस वर्सेस 9 फिनिशेस, अक्षत ने लिया बहुत ज्यादा डैमेज, सवितार हो चुके नॉक, लेवल अप होने की बात है। सोल प्लेयर 3 उन थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा कंपोजर, किल यहाँ पे जो फिनिश है वो भी कंफर्म कर दिया। ओ माय गॉड, इंसेंटिवाइज गेम, नर्व गूज़बम्स ऑन द स्पॉट। स्पैरो, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। It's not easy at all. We are near the end game now. और end game अलग level पे जा चुका है। It's a 3v3 competition. Soul player थी, जैसा कि आपने बताया, थोड़ा सा advanced position में जरूर है और वहाँ पे उनकी position बहुत crucial भी है। Shot लिए जा रहे हैं, अक्षत की position revealed है, zone आ रहा है, थोड़ा सा और entry मेरे ख्याल से 5-7 meter उनको करनी है zone के अंदर पहुंचने के लिए। Omega अगर Ovaze को spot कर लेते हैं, ये एक बड़ा खेल हो सकता है। जो यहाँ पे पहले spot करेगा, it's all about that, right? I mean, यहाँ पे आखिरी game में यही बन चुका है, सारे player prone है। It's all about your spotting skills. अगर आप अच्छा spot करते हैं तो आप advantage निकाल सकते हैं। नेट्स की कमी एंड यूटिलिटीज की कमी, स्मोक्स की कमी यहां पे जरूर को मिल सकती है आगे के कुछ सर्कल्स के अंदर, बट पेशेंस देखिए, लेके अब तक इतना अग्रेशन देखा और सडनली आके यहां पे थम चुका है सारा माहौल, बिकॉज चिकन डिनर दाव पे है और इन दोनों टीमों में से कोई भी चिकन डिनर से हाथ धोना नहीं चाहता। ओवेस धीरे धीरे स्कारल के साथ आगे बढ़ते हुए 4 फिनिशर्स निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए, बैग इन्होंने उतार दिया है, अब कोई बोझ तो नहीं है इनके पास बैग का, बट चिकन निकालने का एक बड़ा दारोमदार जरूर है इस आईजीएल के पास। Exactly it is, but मैं अभी से ही सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मैप पे कुछ भी नहीं हो रहा है, दोनों टीम गलतियां ढूंढ रही है कि अगर कोई सामने वाला गलती करता है तो मैं उस गलती का फायदा उठाकर इस गेम में आगे बढ़ू। बट मैं बस अपने ध्यान में सोच रहा हूँ कि जो ओवरऑल स्टैंडिंग है उसमें दोनों टीम में जीतने का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। फॉरएवर अभी पेस्ट्री पे, आई बिलीव दे आर एट द बॉटम 4, उनके लिए बड़ा जंप नहीं होगा, बट अगर सोल जीतती है आई बिलीव दे विल बी इन टॉप 7 एटलीस्ट, बिकॉज उनके ऑलमोस्ट 90+ पॉइंट्स है और टीम औरंगडान गेमिंग आर 20-120 कुछ, तो ये एक जंप होगा ना सही में, इट विल बी अ कमबैक ऑफ ऑल टाइम्स, बिकॉज 2-3 दिन पहले तक सोल लिटरली 22वें पैदान पे थी और अब देखिए बट फाइनली यहां पे थोड़ी एम्बुश चालू हुई। मैक्स ने लिया डैमेज, सोल प्लेयर 3 ने लिया डैमेज, बट सोल प्लेयर 3 गाड़ी का शिकार होते हुए नजर आया यहाँ पे, गाड़ी ब्लास्ट में खत्म हो चुके हैं मैक्स। नाउ इट्स गोइंग टू बी अ 3v2 सिचुएशन, फ्रैंकी की पोजीशन रिवील है, फ्रैंकी ने एक नॉक करा, दोबारा से 2v2 सिचुएशन बन चुकी है, बट ओवेस को यहाँ पे पोजीशन पता है ओमेगा की, थोड़ा संभलना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ओमेगा को पता है कि ओवेस की पोजीशन क्या है, पोजीशन चेंज करी स्प्रे यहाँ पे जरूर किया, ओमेगा यहाँ पे डैमेज खाते हुए ओवेस को नॉक करा जाएगा। नाउ इट्स अ 2v1 सिचुएशन वेयर फ्रैंकी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम
forever. Now, Frankie के पास क्लच करने की एक्सपर्टीज जरूर है. ऑलरेडी यहाँ पे आज के दिन में एक बार वो क्लच कर भी चुके हैं, बट चिकन दाव पे है. 11 फिनिशर्स टीम सोल निकाल चुकी है. उधर अगर टीम फॉरएवर की बात की जाए, दे आर ऑल्सो लुकिंग गुड. फ्रेंकी के पीओपी में जरूर देखना चाहूंगा, बट मीनवाइल प्लेयर थी पता है उनको पोजीशन, नेड्स उनके पास नहीं है, वरना नेड्स पहले ही कर चुके होते. फ्रेंकी क्या यहाँ पे कुछ मैजिक कर पाएंगे? दूसरी तरफ मेरे ख्याल से ओवेस जरूर कॉल आउट दे रहे होंगे, जरूर बता रहे होंगे कि प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो सकता है. अभी भी सब कुछ पॉसिबल है. फ्रेंकी क्या यहाँ पे क्लच मास्टर बन सकते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन. ओवेस बोलते कि यहाँ पे होगी है फिनिश कंफर्म, बट फ्रेंकी की पोजीशन रिवील्ड है, बट अभी कोई भी चांस ही देना चाहते हैं यहाँ पे. मीनवाइल ये पेन किलर पॉप कर अपने आप को पूरी एचपी पे लाना चाहते हैं, और साथ में मेरे हिसाब से अगर एक आइडल सिचुएशन है डबल पी करना चाहिए, और कॉल ले लिया यहाँ पे आईजीएल ने, और फ्रेंकी अब तो इस गेम में कुछ नहीं कर सकते. एंड यस इट इज, दिस इज द सेकंड चिकन डिनर, कंसेक्यूटिव चिकन डिनर बाय टीम सोल. व्हाट अ गेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम. जिस तरीके से सर्कल के अंदर आए, आखिरी के अंदर तबाही मचाई, स्पेरो दे जस्ट डिजर्व